चलते हैं द्रव्यवती नदी पर जो दीपोत्सव हो रहा है उस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भी पहुंच चुके हैं और वहां की रौनक भी हमारे सहयोगी दिखा रहे थे कि किस तरह से द्रव्यवती नदी में इस बार फिर से रौनक देखने को मिल रही है, चमक देखने को मिल रही है। लाहौटी को सीएम के साथ हैं तमाम दिग्गज, यहां पर सांसद रामचरण बोहरा। और ये दूसरी दिवाली है द्रव्यवती नदी के, अगर आसपास की हम बात करें, इस इलाके की बात करें, उस वक्त भी दिवाली जैसा जश्न था जब इस प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया था मुख्यमंत्री ने, तब भी इसी तरह से यहाँ पर साज सजावट देखने को मिली थी, लाइटिंग देखने को मिली थी और अब एक बार फिर से यहाँ पर उतनी ही खूबसूरती, उतने ही रंग। तो कई जनप्रतिनिधि वहां पर मौजूद हैं, कुछ को आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। तो एक तरफ सरयू के तट पर दीपोत्सव मनाया गया, दीप जलाए गए, तो वही द्रव्यवती नदी के तट पर भी आज रोशनी है, उत्साह है, उमंग है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री का ये ड्रीम प्रोजेक्ट था जिसे पूरा किया गया, कुछ वक्त पहले ही इसका उद्घाटन किया मुख्यमंत्री ने और अब पहली दिवाली है तो देखिए चेहरे पर कितना उत्साह है, मुस्कान है, खुशी है। और सीएम पहुंची हैं यहाँ की खूबसूरती को निहारने के लिए, इस दीपोत्सव में शामिल होने के लिए। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी यहाँ पर रखे गए हैं, बिल्कुल वही तस्वीर जो कुछ वक्त पहले इस प्रोजेक्ट के लॉन्चिंग के समय देखने को मिली थी। अब भी कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम थे, कई बैंड्स की धुन सुनाई दे रही थी, स्वाद का संगम भी था, तो रोशनी की जगमगाहट भी थी, रंग बिरंगी लाइटिंग का इस्तेमाल किया गया था सजाने के लिए। इस बार फिर से तो बेहद खास है इस बार की ये दिवाली जयपुर के लोगों के लिए, खासतौर पर इस प्रोजेक्ट के आसपास जो लोग रहते हैं, जो द्रव्यवती नदी के इर्द गिर्द के लोग हैं, इलाके के लोग हैं, उनके लिए बहुत खास है। देखिए किस तरह से ये दिए टिमटिमा रहे हैं और ये जो दिए टिमटिमा रहे हैं, मोमबत्ती की जो रोशनी है, दरअसल ये उम्मीद की रोशनी है, क्योंकि जब जब दीपावली का त्यौहार आता है और यूं दिए जलते हैं तो उम्मीद भी बढ़ती है। ये प्रतीक है उस उम्मीद के जो कभी खत्म नहीं होती, जो अंधेरे में भी रोशनी पैदा करती है, कि भले ही आज अंधेरा है लेकिन रोशनी जरूर होगी, उम्मीद का दामन मत छोड़िए। ये सार है इस त्यौहार का, ये मतलब है इन दियों का। तो अगर इन तस्वीरों को देखिए तो कुछ वक्त पहले जिस तरह से इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था उसके बाद जो ये तस्वीरें हैं वो ये भी कहती हैं कि विकास की बयार चलती है, धीरे धीरे ही सही आगे बढ़ती है और जयपुर वासियों को भी इसका एहसास है जब इस बार की दिवाली वो इस द्रव्यवती नदी के फ्रंट पर मना रहे हैं, इसके किनारे पर मना रहे हैं, इन रंगों को देख रहे हैं। दरअसल ये रंग केवल संस्कृति के रंग नहीं है, ये रंग केवल दिवाली के रंग नहीं है, दिवाली की रोशनी नहीं, ये बात है विकास की, ये तस्वीर है विकास की, जिसके तहत एक नाले को एक नदी का स्वरूप दिया गया, जिसके तहत आसपास के लोगों को स्वच्छ वातावरण, पर्यावरण देने की कोशिश की गई। तो देखिए कितना उत्साह है, ये धुने आप सुन सकते हैं, क्योंकि कहते हैं कि जब भी कोई तीज त्यौहार होता है, खुशी का मौका होता है, तो गीत संगीत बहुत जरूरी है। और गीत संगीत अगर बात हो लोकगीतों की अगर बात करें तब तो अलग ही दृश्य होता है, रूह को छूते हैं ये लोकगीत, ये लोक संगीत। और एक बार फिर से जयपुर के लोग यहाँ पर पहुंचे हैं इस एहसास को पाने के लिए, इसे महसूस करने के लिए। तो देखिए किस तरह से यहाँ पर लोगों के बैठने का इंतजाम किया गया है, देखिए असंख्य दीप यहाँ पर दिखाई देते हैं, ये लाइटिंग आप देखिए, ऐसा लगता है कि आज शायद आसमान के सितारे धरती पर उतर आए हैं। हर तरफ जगमग करते लाखों जुगनू, करोड़ों जुगनू जैसे इतरा रहे हैं, इतरा रहे हैं अपनी कामयाबी पर, इतरा रहे हैं जयपुर की कामयाबी पर, जयपुराइट्स के हौसले पर, विकास की बयार में ये इठला रहे हैं, बयां कर रहे हैं अपनी खुशी को, इजहार कर रहे हैं अपनी अभिभूति का, अपने एहसास का। तो देखिए सीएम पधार चुकी हैं, अपनी कुर्सी उन्होंने ले ली है और अब सांस्कृतिक कार्यक्रम जो भी हो रहे हैं उनका दीदार किया जा रहा है। और मंच पर देखिए कितना उत्साह है। और अगर जब हम मरुधरा की बात करते हैं तो यहाँ लोकगीत जो है, लोक संगीत जो है,
वो सबसे खास हो जाते हैं, जिसमें एक अदब भी होती है, जिसमें एक अल्हड़पन भी होता है, जिसमें अपनी माटी के प्रति भावना होती है, तो साथ ही एक विकास की बात भी होती है और एक एकता की बात होती है कि चाहे हम मेवाड़ जाएं या मारवाड़ जाएं, हम चाहे दक्षिण से पश्चिम की ओर आए, लेकिन हम एक हैं, हमारी माटी की सुगंध एक है। भौगोलिक स्थितियां बदलती हैं, जब आप मारवाड़ की तरफ जाते हैं जयपुर से तो हालात बदल जाते हैं, विषम परिस्थितियां भी देखने को मिलती है, लेकिन सार वही रहता है, भाव वही रहता है, सत्कार वही रहता है, आभार वही रहता है। और यही खासियत है हमारे लोकगीतों की, संगीत की, लोक नृत्यों की, जो इन सभी भावों को समेटे हुए हैं। और आगे बढ़ाया जाए, एक माइलस्टोन इससे सरकार का कहा जा सकता है, सीएम का कहा जा सकता है कि जो ख्वाब देखा गया उसे पूरा किया गया और कुछ दिनों में ही दूसरी दिवाली यहाँ के लोग मना रहे हैं। पूजन चांदपोल व्यापार मंडल का आयोजन द्रव्यनती नदी पर दीपोत्सव, जिसमें शिरकत करने के लिए पहुंची है मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, उनके साथ कई जनप्रतिनिधि। तौर पर अगर हम सियासत के लिहाज से इस त्यौहार को देखें तो ये त्यौहार बहुत खास है, क्योंकि सियासतदान जनता के बीच जाकर के न केवल त्यौहार की शुभकामनाएं दे रहे हैं, बधाइयां दे रहे हैं, बल्कि अपने अपने पक्ष को मजबूत भी कर रहे हैं, जनता को याद दिला रहे हैं कि किस तरह से इस त्यौहार की मिठास में उनका भी काम है, विकास की बात की जाती है, जो वादे पूरे किए गए उनका जिक्र किया जाता है। एक गेट टुगेदर का जरिया होते हैं ये त्यौहार, जब इस तरह के भव्य आयोजन होते हैं। और अगर हम जयपुर की बात करें तो दो लोकसभा सीटें, एक तरफ जयपुर देहात की सीट है, एक तरफ जयपुर शहर की सीट है, रामचरण वोहरा जहां से सांसद हैं, तो इनकी भी जिम्मेदारी बहुत खास है। और त्यौहार के बाद उमंग है, और इस उमंग में शिरकत करने के लिए पहुंची हैं सीएम राजे। आतिशबाजी शुरू हो चुकी है, देखिए कितना भव्य ये नजारा है, एक साथ कई सितारे जगमगा रहे हैं, ये आप लावे देख सकते हैं, इस रोशनी को देख सकते हैं, और आपको बस कुछ दिन पहले की तस्वीर भी याद आ जाएगी जब इसी तरह की भव्य आतिशबाजी देखने को मिली थी, जब इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था, तब भी जयपुराइट्स उस पल के गवाह थे, मुख्यमंत्री उस पल की गवाह थी, और आज फिर से वो तस्वीर दोहराई गई है दीपावली के मौके पर। देखिए कितने उत्साह के साथ सीएम निहार रही है आसमान को, रामचरण वोहरा को भी आप देख सकते हैं, सांसद जो कि हैं, अशोक लाहोटी को भी आप देख सकते हैं,
और इतना उत्साह, जमकर आतिशबाजी यहां पर की जा रही है, रंग बिरंगे कई जुगनू, जैसे कि आज जुगनुओं ने भी परिधान धारण कर लिए हैं, कोई नीले रंग में है, कोई पीले रंग में है, किसी ने लाल रंग का परिधान धारण किया और एक साथ एक झुंड में निकले हैं ये जुगनू आज जयपुर को रोशन करने के लिए, जयपुर के आसमान में छाने के लिए। तो ये आतिशबाजी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। अगर आप नहीं पहुंच पाए हैं तो देखिए फर्स्ट इंडिया के जरिए देखिए, उत्साह से भर देती है ये तस्वीरें, ये खुशी का इजहार है, ये उमंग का इजहार है, क्योंकि दीपावली का त्योहार है। म्यूजिक भी है पीछे, पूरा उत्साह। जय हो भारत माता की, जय हो उस संस्कृति की, उस समृद्ध परंपरा की जिसके वाहक हम हैं, जिसे सलाम पूरी दुनिया करती है, उसकी जय हो। और हर बार इस त्योहार के जरिए या फिर इस तरह के जितने भी त्योहार हम मनाते हैं उसके जरिए हम प्रतीक रखते हैं, हम एक संदेश देते हैं कि हम एक हैं, हमारी समृद्धि, हमारी ये परंपरा हमारी पहचान है, हमारी संस्कृति हमारी पहचान है, जिसमें मिठास भी है, जिसमें रोशनी भी है, उम्मीद की किरण है। तो एक बहुत बड़ा संदेश है कि हम आगे बढ़ रहे हैं लेकिन अपनी संस्कृति को पीछे छोड़कर नहीं, उसे साथ लेकर आगे बढ़ रहे हैं। इस महत्व को हम समझते हैं कि आज का ये त्यौहार क्या कहता है, दीपावली का एक छोटा सा दिया क्या कहता है, वो रोशनी क्या कहती है कि अंधेरा छटेगा उजाला होगा। बहुत ही सुंदर रात्रि और वो भी द्रव्यवती नदी के किनारे। मैं पूरे पूरे प्रदेशवासियों को दिल से बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। विश्वास यही करती हूँ कि आने वाले समय के अंदर ये साल आपका सौहार्दपूर्ण और सक्सेसफुल और अच्छा रहे, और जो आपने मन में कल्पना की है उस सब ये कार्यक्रम सच हो जाए, कुछ ही क्षणों में प्रस्तुत किया जाएगा। तो मुख्यमंत्री ने यहाँ पर प्रदेशवासियों को शुभकामना दी है और ये कहा है कि जो कुछ भी इच्छा आपके मन में है, जो कुछ भी भाव आपके मन में है, वो फलीभूत हो, वो पूरा हो इस त्योहार में, बस वो यही कहना चाहती हैं। और कहा भी जाता है कि लक्ष्मी की पूजा होती है इस त्योहार में कि समृद्धि घर में आए, वैभव घर में आए, धन हो, धान्य हो, तो साथ ही गणपति की उपासना की जाती है कि इस धन और धान्य को संभाल कर रखने की सद्बुद्धि हमारे पास हो, क्योंकि जब तक सद्बुद्धि नहीं होगी तब तक ये धन काम का नहीं है, ये माया काम की नहीं है। और साथ ही सरस्वती की उपासना ये कहती है कि धन और धान्य के साथ सद्बुद्धि के साथ ज्ञान होना भी जरूरी है, ज्ञान चक्षु अगर नहीं खुले होंगे तो ना तो आप बाहरी आवरण को समझ पाएंगे, बाहरी दुनिया को समझ पाएंगे, और ना अपने भीतर के उस परम परमात्मा को समझ पाएंगे। और देखिए अब यहाँ पर अब चाय नाश्ते का दौर भी शुरू हो गया, क्योंकि जब भी हम किसी जश्न की बात करते हैं तो वहाँ पर लजीज पकवान भी होते हैं, स्वाद का संगम भी होता है और चाय की चुस्कियाँ भी यहाँ पर ली जा रही हैं। अद्भुत ये नज़ारा जहाँ पर खुशियों का हर तरफ साम्राज्य दिखाई देता है।